भगवान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और वो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि उनको सामने लाएं और उनके साथ मिलकर हम उनका हाथ बटाएं और जो जंगल की आग लगी हुई है उसमें हम चिड़िया के जितना पानी डाल दें उसमें अपना हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दें, जाके अल्लाह मियाँ जब पकड़ने आए तो कहें भाई हमारे भी तो इतनी सी चोंच थी, हमने उतना काम कर लिया। तो उन्हीं तरह के एक बड़ी पानी, एक हाथी भी होता है जंगल में और एक चिड़िया भी होती है, तो कुछ लोग ज्यादा पानी लेके जा सकते हैं जंगल की आग बुझाने के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें रह गई हैं करने वाली, और उन्हीं को करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो मेरे साथ आज आरिफ भाई हैं, और आरिफ भाई थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए और उसके बाद फिर एनबीआई का तारुफ करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रेहान, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि हम जो है वो तामीर कौम के बारे में बात कर सकें, नेशन बिल्डिंग। मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ पाकिस्तान नेवी से, और रिटायरमेंट के बाद मैंने ये सोचा कि, और सर्विस में रहते हुए भी ये महसूस किया कि हमें कौमी तामीर की ज़रूरत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेशन बिल्डिंग है क्या, ये हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके रफ़का ने 1940 में पाकिस्तान बनाने का अज़म किया, और जब एक मजबूत अज़म किया तो 7 साल में उन्होंने एक ऐसी चीज़ हासिल कर ली जो तकरीबन नामुमकिन थी। लोग उसे कहते थे कि पाकिस्तान तो एक मैड मैन्स ड्रीम है, बट दैट ड्रीम केम इनटू रियलिटी। मगर 70 साल हो गए और उसके बाद भी हम कौम नहीं बन सके। कौमी तामीर की जो डेफिनेशन डिक्शनरी में दी हुई है वो ये है कि नेशन बिल्डिंग इज़ अबाउट यूनिफाइंग द पीपल थ्रू सोशल हारमोनी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर, एक सर्टन प्रॉस्पेरिटी लेवल के बगैर कौमें जुड़ती नहीं है। और दूसरा ये कि सोशल हार्मनी की भी बड़ी ज़रूरत होती है जिसकी कमी है, मगर वो कमी जो है मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल इलीट की वजह से आई है, ना कि आवाम की वजह से। तो अगर हम उन इम्पेडिमेंट्स को रिमूव कर दें और लोगों को एक दूसरे के नज़दीक ले आएं, तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यकानगत है, यकजहती है, इंसानियत के जज्बात भरपूर हैं, और मसावात पाकिस्तान का हर शहरी चाहता है। तो इन चीज़ों को कौम में रोशनास करने के लिए हमने एक तहरीक शुरू की है, और मकसद हमारा यही है। और जब हमने, क्योंकि वी आर ए थिंक टैंक ऑल्सो, तो जब हमने उस पर गौर किया तो हमें पता लगा कि देखें, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ज़रिए हम ज़्यादा बेहतर और तेज़ी के साथ जो है नेशन बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। तो हमने एक एनबीआई के अंदर एक आईटी इनिशिएटिव लॉन्च किया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को दरपेश खतरात में हमने महसूस किया कि क्लाइमेट चेंज जो है ये सबसे बड़ा ख़तरा है। तो दूसरा हमारा जो बड़ा इनिशिएटिव है वो ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज और जो SDGs हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमारा जो डोमेन है वो एटीट्यूड्स बिल्डिंग में है। बहुत सारे लोग तो मटेरियल काम करते हैं, मगर हम मटेरियल काम के साथ साथ ये नहीं कि हम मटेरियल काम नहीं करते, हम जो है लोगों के एटीट्यूड्स ठीक करते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक एटीट्यूड इज 100%। अगर लोगों के एटीट्यूड्स ठीक हो जाएं तो फिर चीज़ें जो है ना उनको करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में ये मैंने शायद ज़्यादा तवील जो है बयान कर दिया इसके ऊपर।
तो ये हमारा काम है। जी अरुला भाई, हर चीज के पीछे व्हाट, व्हाई एंड हाउ होता है। तो आपने व्हाट डिफाइन किया कि भी आप नेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं, और उसको आपने मजीद डिफाइन किया कि जिसके अंदर इकोनॉमिक बिल्डिंग शामिल है और आपस में यूनिटी, और यूनिटी जब आती है जब लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी दो लोग आपस में यूनाइटेड होके काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके वैल्यूज मैच नहीं करते, और अगर वैल्यूज मैच नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेंगे। तो मुझे जो समझ में आया वो ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत सारी कौमें रहती हैं, 28 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, उनकी आपस में अभी तक हम वैल्यू मैच नहीं करवा सके। एक प्राइमरी वैल्यू तो मैच करेगी कि दीन एक है, रिलीजन एक है, उसके बेसिस के ऊपर हमने कंट्री को इनकॉर्पोरेट किया, और उसके अंदर हमने मजीद जो वैल्यूज थी वो ऐड, अभी तक हम कॉमनैलिटीज पे इतने नहीं पहुंचे कि हम कह सकें कि भी हम एक वन नेशन तक के काम कर रहे हैं। उसमें कुछ ये नहीं है कि टोटली नाकाम हुए, बल्कि उसमें कुछ गैप्स आपको नजर आए और उनको आप ओवरकम करने के लिए आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया, और उसके अंदर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी एक आपने फरमाया। वाई को थोड़ा सा और अगर डिफाइन करें कि नॉर्मली ये काम पॉलिटिशियंस का होता है, तो आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए, इस तरह से क्यों आए? सेकेंड ये कि गवर्नमेंट अपना काम आपके ख्याल में क्यों नहीं कर पाई, या और इदारे क्यों नहीं कर पाए जिसके लिए आपको ये काम करने की जरूरत पड़ी। मैं इसको तंजिया नहीं पूछ रहा बल्कि समझने के अंदाज से इसके लिए पूछ रहा। देखें, ये आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा फंडामेंटल सवाल है, और अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मगर ये सवाल नहीं पूछते। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ा ही कोर वाला सवाल पूछा है। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि जो मेन इसका ओनस जाता है वो पॉलिटिशियंस पे जाता है, बिकॉज पॉलिटिकल विल के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 7 साल में एक ऐसी इम्पॉसिबल, जिसको लोग इम्पॉसिबल कहते थे, ड्रीम को हकीकत में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ही वॉज द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, ही हैड द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पॉलिटिकल विल। मगर जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इमीडिएटली इलेक्शंस में चली जाती हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और डेमोक्रेसी जो है, इट इज नॉट ओनली इलेक्शंस, डेमोक्रेसी फंडामेंटली इज अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड क्रिएशन ऑफ इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशंस। अब हमें अपने अवाम को भी, पॉलिटिक्स से पहले हमें अपने अवाम को भी तैयार करना है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की जो तहरीकें हैं उनको देखें, तो देवर ऑल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, नथिंग बट पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। बट उन्होंने एक बड़ा वक्त लगाया एक हार्ड कोर ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, जिनके अखलाक, किरदार, जिनके अंदर वो औसाफ थे जो पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। आज हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में झूठ बोले बगैर पॉलिटिक्स नहीं मिल सकता। तो आप मुझे बताएं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी झूठ बोला? उन पे लोग ट्रस्ट करते थे, उनकी बात को समझने के बगैर वो उनकी बात सुनते थे, इसलिए कि वो ट्रस्ट लेवल था, इसलिए कि वो सच्चे आदमी थे। इसी तरह से तमाम अंबिया इकराम सच्चे थे, और सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसान थे। तो हकीकत में सियासत तो अंबिया इकराम ने की है, ये अंबिया इकराम का काम है। मगर आज क्योंकि अच्छे लोग, सच्चे लोग सियासत से दूर हो गए हैं पाकिस्तान में, और वो सियासत में आने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, तो पहला तो काम हमें ये करना होगा कि उन अच्छे अफराद को झिंझोड़ना होगा, उनके कॉन्शियस को बेदार करना होगा, ताकि वो जो है सियासत की तरफ रुख करें और सियासत को साफ करें, पाक करें, इससे पहले के इलेक्शंस लड़े जाएं। तो प्रीमेच्योरली अगर कोई लोग विदाउट डूइंग द ग्राउंड वर्क अगर इलेक्शंस में जाएंगे, तो खातिर खान नतीजे जो हैं नहीं सामने आएंगे, और जिसको हम देख भी रहे हैं। तो नोबल आइडियाज के साथ हम आगे तो बढ़ सकते हैं, मगर जब तक आप उस बैटल की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अपनी टीम को ट्रेन नहीं करेंगे, और बिल उमूम लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे,
عوام کو ٹرین نہیں کریں گے اس وقت تک آپ رائٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی کو لا نہیں سکتے ہیں. پاکستان کے بارے میں سب سے بہترین چیز تو یہ ہوگی, اور ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن بڑا عمدہ کانسٹیٹیوشن ہے, اور شاید ہم ایک واحد نیشن ہیں جس کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارا پورا نیشن ہڈ کا ویژن اور ہمارا مشن جو ہے وہ ایلیبریٹ کیا گیا ہے, بہت تفصیل سے دیا گیا ہے. تو پہلی چیز جو ہم نے کی اس لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ہم ان کو کانسٹیٹیوشن کی آگاہی دیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ کیا ہیں, کون ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی تھیوری لگ رہی ہے اور اکیڈمک لگ رہی ہے, بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ تھیوری ہی کو پریکٹس میں لانے سے جو ہے نا صحیح چیزیں رونما ہوتی ہیں. آپ میری مسکراہٹ پہ نہ جائیں کہ میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کی بات کو, اس لیے میں سن رہا ہوں اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں 100%, بلکہ 110% ایگری کرتا ہوں, اور میں پوائنٹس دیکھ رہا ہوں, پھر اس کے اوپر واپس آئیں گے کہ ہم اس کو مزید سوال کر سکیں. تو وائے کا آپ نے جواب نہیں دیا, تو آپ نے پھر پالیٹکس کا کیوں چوز نہیں کیا, آپ کیوں دوسری طرف آ گئے؟ نہیں, میں یہ تو آپ کہنا غلط ہوگا کہ میں نے پالیٹکس کا نہیں, یعنی میں پالیٹکس کو رد کرتا ہوں, ایسی ٹپیکل پالیٹکس کو آپ نے ایم این اے کلیکشن یا ایم پی اے کلیکشن, پالیٹکس کا ایک پروسیس. بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور الیکشن کی تیاری کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے لوگوں کی تربیت کرنی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, لوگوں کا کیریکٹر بنانا ہے, لائک اے جنرل. میں سمجھ, تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے, ابھی تو میں گراؤنڈ ورک کر رہا ہوں, ابھی میں لوگوں کی تربیت ایٹیٹیوڈ بلڈنگ پہ کام کر رہا ہوں. میں نہیں کر رہا, بلکہ میں جو آرگنائزیشن, جی آرگنائزیشن, دیکھیں میں اس ویو کو رکھتا ہوں کہ ماڈرن ورلڈ میں وی نیڈ ٹو ہیو کلیکٹو لیڈرشپ. گون آر دا ڈیز آف کیریزمیٹک ون مین شو, بیکاز دا ورلڈ ہیز بیکم سو کمپلیکس دیٹ وی نیڈ ناؤ کلیکٹو لیڈرشپ. اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کلیکٹو لیڈرشپ آئی ہے وہاں پہ زیادہ اسٹیبلٹی رہی ہے. رادر اگر ہم دیکھیں کہ اسٹرانگ کیریزمیٹک لیڈرز ہیو ڈسٹروئڈ دیئر نیشن, بسمارک کو آپ دیکھ لیں, ہٹلر کو دیکھ لیں, چرچل کو آپ دیکھ لیں, تو یہ سارے اسٹرانگ کیریزمیٹک لیڈرز تھے, بٹ دے ڈڈ ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر نیشن سو مچ, رادر دے ٹک دیئر نیشنز ٹو ڈسٹرکشن. اس کے بہ نسبت جہاں کلیکٹو لیڈرشپ ہوگی, جہاں مشورے سے کام ہوگا, قرآن کریم بھی ہمیں مشورے کی کنٹریز کے نام ان میں بھی لیجیے گا, جیسے آپ نے ادھر لیڈر کے نام لیے, اس طرح کلیکٹو لیڈرشپ والوں کے نام. دیکھیں کلیکٹو لیڈرشپ کی اس وقت جو سب سے بڑی ایگزامپل ہے نا, وہ چائنا ہے. چائنا از بینگ رولڈ بائی دا چائنیز کمیونسٹ پارٹی, اینڈ چائنیز کمیونسٹ پارٹی از اے ویری گڈ ایگزامپل آف اے کلیکٹو لیڈرشپ. دیٹ ہیپنڈ آفٹر 35 ایئرز, چیئرمین ماؤ واز دا باس. ہی ابھی بھی جو نئے پریزیڈنٹ ہیں, ہی از آلسو دا نیو باس. اگر ان کے اندر دل میں ادھر ادھر ہو جائے تو گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, ہٹلر بھی بن سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیر مے بی اے فیس, دیر مے بی اے فیس وچ, اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے فیس آلویز آف اے لیڈر, بٹ دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس, اف یو اسٹڈی دی چائنیز پولیٹیکل سسٹم, دی ڈیسیژن از ڈن بائی دی پالٹ بیئر, اینڈ دیر از اے فل ہائرارکی آف اے پولیٹیکل اسٹرکچر, اور وہ اسٹرکچر سے, and that is why Chinese are slower, but they are very firm, they are very determined. بلکہ میں ایک لطیفہ سناؤں گا کہ ایک جگہ نیوی میں ہماری کانفرنس تھی جہاں نیوی کے بہت سینئر لوگ آئے ہوئے تھے, تو کچھ ویسٹرن ایڈمرلز بھی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ دیر از نو گرینڈ اسٹریٹجی اینی مور ان دی ویسٹرن ورلڈ بیکاز دی پولیٹیشنز کم, دے ہیو این ایجنڈا وچ از ویری لوکل. So the first few years they focus on that, then they do some big projects in the middle of their tenure, and towards the end they are again involved in the local issues. So I said
then what you are suggesting is that the Chinese system has a grand strategy because it has a stability, it has a political system where there's a collective thinking and there's a continuity. So if you will see that whereas the leaders have changed in China, there is a political continuity of thought, of policies, of all those things. And it is not this that one leader comes and he gives his vision and people start obeying him, praising him, and then when he goes, then everything is rubbed off. So ye cheez nahi hai. Western democracies ke andar bhi jo hai, there is a political continuity, there is a collective thinking. Britain mein parliament hai, United States mein congress hai, and they have they are the decision making bodies which give the guidance to the executive to run the show. So it's a shared responsibility in the modern world, and we have to learn the art of democracy not only in Pakistan but the entire Muslim world. Aur mere khayal mein shayad hamara sabse bada almiya ye hai ki we haven't learned the art of democracy. ठीक है, चलें वाई को भी कुछ हद तक कहते हैं कि पूरा हो गया. अब हाउ पे आते हैं, तो आपने एक मल्टीपल प्रोन अप्रोच बताई, इसके अंदर क्या मल्टीपल चीजें करना चाहते हैं. इनिशियल इसके अंदर आपने फरमाया कि आईटी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है. सेकंड आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बताया कि ज्यादा जोर है, और तकरीबन सारी 17 SDGs को आप पुश कर रहे हैं या कुछ के ऊपर फोकस ज्यादा है? नहीं, कुछ पे फोकस ज्यादा है, मगर सारों के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए. देखें, एक तो मैं जो रहनुमाई हमेशा हासिल करता हूँ वो कुरान और सुन्नत से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम पढ़ें तो उसमें हर चीज़ का बड़ा आपको हल नज़र आ जाएगा. और वो ये कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी जिद्दोजहद है उसके चार फेजेस हैं, और पहले फेज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कोर ग्रुप को तश्कील किया और सोसाइटी के साथ इस तरह से इंटरेक्ट किया कि सोसाइटी में उस कोर ग्रुप की रिस्पेक्ट पैदा हो, क्योंकि वो सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हैं. तो जो इमीडिएट हमारे माशरे के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोज जिसको अल्लाह ताला कहते हैं कार खैर, तो खैर के काम. और मैंने जो ये हमारी सोसाइटी है उसमें जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान में बड़े इदारे भी चला रहे हैं कार खैर के, और कार खैर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. तो वही वो लोग हैं जो खैर के काम कर रहे हैं, उनको जोड़ेंगे तो आप सोसाइटी को इम्पेक्ट कर सकेंगे. सोसाइटी को अगर कोई बात कहेंगे तो वो आपकी बात सुनी जाएगी. और फिर उसके बाद जो है आप लोगों की जहन साजी करेंगे, उनके एटीट्यूड ठीक करेंगे बिफोर यू एक्चुअली आर गोइंग टू कम अप विद योर पॉलिटिकल मैसेज एंड इलेक्शन. सो दैट कम्स एट ए मच बेटर स्टेज टू ब्रिंग इन गवर्नमेंट्स विच इज केपेबल एंड इफेक्टिव. तो देयर इज अ फुल प्रोसेस जो आपको सीरत में नजर आएगा और कुरान करीम में उसके ऊपर बहुत डिटेल में अहकामात हैं. हम असल में अपने दीन को प्रैग्मेटिकली नहीं पढ़ते, हम उसे ज़्यादातर रिलीजियस एंगल से पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो ज्यूरिसप्रूडेंस के एंगल से पढ़ते हैं, फ़िक़्ह के एंगल से पढ़ते हैं, और हम उसको मुकम्मल मशले राह या हिदायत के तौर पे पढ़कर उससे हिदायत हासिल करने की कोशिश नहीं करते. अगर आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे या हम तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत ही अनएम्बिगुअस पाथ मिलेगा. और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सीरत को पढ़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं और बहुत ही डिटेल में आती हैं, और उनका मुवाजना हम मुख्तलिफ जो दूसरी तहरीकें दुनिया में हुई हैं उनके साथ भी अगर करेंगे तो हमें एक बहुत क्लियर कट पाथ मिलता है. कि मगर ये कि अगर आप बगैर ड्यू डिलीजेंस के, ड्यू प्रोसेस के, इफ़ यू गो इन टू प्रीमेच्योर स्ट्रगल, तो वो फिर जारी बातें कामयाब नहीं होगी. सही.
जो आवाम है पाकिस्तान की और जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर रहती है, वो आपके एनबीआई में किस तरह से हिस्सा ले सकती है, कहाँ पे जाके साइन करना है, कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है? देखें, एक तो ये है कि हम कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल जो है ना काम अंदाज में नहीं करते, बिकॉज इनफॉर्मल जहन साजी जो है दैट इफेक्ट्स बेटर देन आ फॉर्मली एक ग्रुप बनाए, बिकॉज वी वॉन्ट टू यूनिफाई ऑल पीपल, वी डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट ए न्यू ग्रुप अमंग्स लॉट ऑफ ग्रुप्स विच आर देयर इन पाकिस्तान। तो हम तो पूरे माशरे को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमने इस तरह की चीज रखी नहीं है कि जी आप साइन अप करें और अपने साथ एक बैज लगा लें कि यू आर मेंबर ऑफ एनबीआई, बिकॉज एवरी पाकिस्तानी मस्ट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो आप ये समझें कि हर पाकिस्तानी को के लिए नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी है और हम उसको उसी तरह देखते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज दिस दैट वी आर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, वी आर मोटिवेटिंग द प्रोफेशनल्स, वी आर मोटिवेटिंग दी कॉमन मैन के अंदर जो सोसाइटीज में मोहल्लों में इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बाज़ जगह एक बड़ी भी होती है वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है। सो इट इज पर्सन टू पर्सन ह्यूमन कॉन्टेक्ट के जरिए वी आर सेलिंग द आइडिया, नॉट आर आइडिया, नॉट माई आइडिया, बट द आइडिया विच इज गिवन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कि जिसपे सब मुत्तफिक हैं। और तकरीबन देखें पिछले 2 साल से मैं पब्लिक में इसको रिपीट कर रहा हूँ और मुझे कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं मिली। हर मकतबे फिक्र के लोगों ने और हर तबके के लोगों ने और हर जिंस के लोगों ने जो है उसको उतनी ही अच्छी तरह से रिसीव किया, एग्री किया, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी नेशन यूनिफाइड है और इत्तेफाक से वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी स्पिरिट है वो हमारे नेशनल एंथम में भी जो है ना वो मतलब समाई हुई है। तो अगर हम अपने नेशनल एंथम को समझ जाएं और उस आइडिया को बार बार रिपीट करें तो वो हमारे एक्शंस में आना शुरू हो जाएगा, और एक्शंस को रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह वो हमारा कैरेक्टर बन जाएगा और एक नेशनल कैरेक्टर बन जाएगा। तो हियर वी आर वर्किंग फॉर क्रिएटिंग ए नेशनल कैरेक्टर। अगर यहाँ पर मैं वो मिस्टेक करूँ कि लोगों को इनरोल करना शुरू कर दूं और मैं कहूं कि दे आर आवर्स एंड दे आर नॉट आवर्स, सो हम ये नहीं करना चाहते। वी डू नॉट वॉन्ट टू डिवाइड पीपल, वी डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट ए ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल। सो आर मैसेज इज फॉर ऑल पीपल एंड एवरीबडी इन एनबीआई शुड थिंक that he is a Pakistani, he is a human being, he has a responsibility to create an egalitarian society, yani masawat par mabni ek maasha takleef deta hai, to usme hum kisi ko eliminate nahi kar sakte. So it's a universal message, it's a message of Pakistan, we should go to every Pakistan. Sahi. थैंक यू सो मच आर्य भाई, आपने बहुत डिटेल से इसको पूरे को समझाया। जो आपने अपना तारुफ कराया उसमें बताया कि आप नेवी में थे, आपने ये नहीं बताया कि आप एडमिरल थे नेवी में, तो मुझे ये नहीं मालूम एडमिरल क्या होता है, मैं नेवी से मैं ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आप पूरे पाकिस्तान को हेड करते थे या एक कोर को हैंडल करते थे, तो मुझे थोड़ा सा एजुकेट करते जाएं क्योंकि मैं थोड़ा जी, सा मैं इस नेवी मामले में में जाना चाहता हूँ। वाइस एडमिरल था, और वाइस एडमिरल इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि नेवी के रैंक से पाकिस्तानी लोग इतने वाकिफ नहीं मैं है। आर्मी के रैंक से भी तो वाकिफ नहीं हूँ, और लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं मालूम क्या होता है मुझे। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल इज ए 3-स्टार जनरल, सो देयर इज इसमें ओनली क्या वन फोर मतलब होता स्टार है? जनरल इन द आर्मी। ओके, और एक एक 4 स्टार होता है और बाकी 3 स्टार कितने होते हैं? आर्मी में ज्यादा होते हैं, नेवी में भी, नेवी के में तकरीबन 6 जो हैं वो 3 स्टार हो सकते हैं, मगर हर वक्त 6 होते नहीं है। बट इट डजेंट मैटर कि आप किस ओहदे पे हैं या क्या हैं। देखिए ना, हम तो पाकिस्तानी कौम का एक हिस्सा हैं और हमें अपनी कौम को बनाना है और उसके लिए हम सबको एक होना है। तो ये हम जब मसावात की बात कर रहे हैं तो मैं जो है एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी को मुखातिब करना चाहता हूँ और उसको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, हमने रूल ऑफ लॉ को
پروموٹ کرنا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں درخواست کروں گا کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کی بالادستی یا قانون کی پابندی کو نظر انداز کر دیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون پہ چلنے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے اور قانون کی بالادستی کو اور قانون کی پابندی کو ولنگ طور پہ لوگوں کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے وہ قانون کے پابند بنے, بلکہ ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ قانون پہ چلنا چاہیے. تو وی آر ورکنگ فار موٹیویشن اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ, کیونکہ پاکستان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں, پاکستان کے لوگوں میں اچھائی زیادہ ہے اور بگاڑ کم ہے. صرف یہ کہ ان کو اچھے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, نیک صالح سچے لیڈرز کی ضرورت ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو پروڈیوس دیٹ کائنڈ آف لیڈرشپ. میں ایک چھوٹی سی کمپنی چلاتا ہوں اور اس کمپنی کے اندر اگر مجھے نیک صالح اور خوش اخلاق انسان مل جائے چلانے کے لیے تو میں اس کو ہائر نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کمپنی ڈبو دے گا. نیک صالح تو ہے لیکن اس کے پاس اس کا وہ کام بھی ہونا چاہیے جو اس کا کام ہے. تو ہمارے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہاں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو تمام لیڈر ہیں, میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں اور ان سے میں ان کے ساتھ لمبی ملاقاتیں کر چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ نیک بھی ہیں, صالح بھی ہیں, دل کے بھی اچھے طرح کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ابیلٹی اور کیپیبلٹی ان میں نہیں ہے. تو ہم ان کا کیا کریں, اب ان کو ہم ان سے ملک تو نہیں چلوا سکتے انفارچونیٹلی. کہتے تو ہیں کہ وہ چلا لیں گے بٹ پتہ نہیں کیا ہوگا, تو ڈر لگتا ہے اس لیے لوگ نہیں کرتے. اسی طرح ایز اے بزنس مین آئی تھنک کہ میں ایسے آدمی کو نہیں ہائر کرنا چاہوں گا جس کو جو کیپیبل نہیں ہو اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, جو اس بزنس کو یا کچھ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہو. تو آپ کا عہدہ پوچھنے کا اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ایک زیادہ اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جاتے ہیں تو ہمیں دور تک نظر آتا ہے, ویژن ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, چیزیں زیادہ دیکھی ہوتی ہیں اور ایک زیادہ بڑی کراؤڈ کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, تحمل پیدا ہو جا سکتا ہے. بغیر تحمل کے آپ اوپر آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا اپنا وزن اتنا نیچے ہوتا ہے کہ آپ اوپر کیسے جائیں. سو اس وجہ سے میں رینک پوچھ رہا تھا. مجھے کوئی اس میں جی میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں, مگر ایک اور میں چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اب ظاہری بات ہے ہر پولیٹیکل لیڈر اکنامسٹ تو نہیں ہو سکتا, فائنینشیل ایکسپرٹ بھی نہیں ہو سکتا, وہ جو ہے ڈیفینس کا ایکسپرٹ بھی نہیں ہو سکتا, وہ ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیسی کا بھی ایکسپرٹ نہ ہو, بٹ ہی ول ہیو آل دیز ایکسپرٹیز. ان کے اے ڈیز ہوتے ہیں, ان کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں, ان کے سیکرٹریز ہوتے ہیں. دے شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو چوز دی رائٹ کائنڈ آف ایکسپرٹس پروفیشنلز, بٹ ان کے اندر جو بیسک کوالٹی ہے لیڈر کے اندر, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کریج, کیریکٹر, دین کمز دی کمپیٹنس ایٹ دی تھرڈ لیول اینڈ دین کمز دی کمپیشن. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر چار چیزیں ہوں, کریج, کیریکٹر, کمپیٹنس اینڈ کمپیشن, تو دے میک ویری گڈ لیڈرس. اور پولیٹیکل لیڈر کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ موٹیویٹ کرے لوگوں کو, ان کو گائیڈ کرے, ان کو سینس آف ڈائریکشن دے. جہاں تک بات ہے ایکسپرٹیز کی, تو ایکسپرٹس تو آپ ہائر کرتے ہیں اور ایکسپرٹس تو آپ ایون فارنرس کو ہائر کر سکتے ہیں. تو ایکسپرٹیز کی اور بھی پاکستان میں کمی نہیں ہے, بہت لائق لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, مگر جب ہم ہائرنگ کرتے ہیں تو وہاں پولیٹیکل اینگلز ہمارے آ جاتے ہیں اور ہر چیز میں, ایون اسپورٹس کے اندر ہمارے پاس پالیٹکس آ جاتی ہے, لائکس اینڈ ڈس لائکس آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈیموکریسی از اباؤٹ رول آف لا اینڈ کریشن آف امپارشل انسٹیٹیوشنز. نا آپ نے کہا کہ میں اتنے سیاستدانوں سے ملا ہوں, آپ نے خود اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ ہاؤ امپارشل دے آر. کیا وہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے کہ ایک آدمی کو جب وہ صحیح بات کہے تو اس کو کہیں کہ اس نے صحیح بات کہی ہے؟ ہم نہیں کہتے. تو وہ ہمارے پاس بدقسمتی سے کلچر ختم ہو گیا. Thank you so much for again for your time. Juryan, بہت بہت شکریہ. I have noted all your points and some of the کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی.
तो आपको हम बताएंगे कि हम सीवरेज के पानी की रिसाइकिल में बड़ा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से जो जॉब क्रिएशन है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, एकेडमिया और जो है इंडस्ट्री को एक पेज पे लाने के लिए भी। तो देर आर मेनी थिंग्स वी आर डूइंग, और जिन लोगों का आपने नाम लिया है और कहा है कि उनसे आप मेरा रब्ता कराएंगे, तो इंशाल्लाह उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड वी विल वर्क टुगेदर फॉर दी प्रॉस्परस एंड पीसफुल पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू।